हाय एवरीवन, माय सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो न्यू डेट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आ गए हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आपने ओपन करना है और क्या कुछ आपको दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपने सर्च करना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पीयू सीईटी यूजी। आप सिंपली लिखोगे पीयू सीईटी यूजी तो आपके पास ये वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट है इसमें ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और ये इसी बार 2024 का ही है। सबसे पहले ये ओपन कर लेना। इसमें जो डेट्स हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल की है। लॉगिन वगैरह करना है तो लास्ट डेट कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की 29 अप्रैल है। डाउनलोड करोगे आप अपना एडमिट कार्ड 8th ऑफ मई को, जिसमें आपको आपके एग्जाम के बारे में डिटेल्स दी होंगी, कहाँ सेंटर है, कितने बजे पहुंचना है, क्या कुछ लेके आना है, ये सारी चीजें। आपने कम से कम एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, जैसे आधार कार्ड है या आपका कोई पासपोर्ट है, ये ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एनीवन आप लेके जाओगे ओरिजिनल वाला। बाकी एडमिट कार्ड के ऊपर जो लिखा ही होगा आप उसे फॉलो करो। फिर इसमें ये है कि जो जनरल कैटेगरी में जो फीस है पंजाब यूनिवर्सिटी में, अगर आप अप्लाई करते हो तो उसकी जो फीस है वो कितनी है, 2,520 रुपीज, और एससी और एसटी की 1,260 रुपीज, और अगर कोई एडिशनल पेपर है आपका बायोलॉजी या मैथ्स तो उसके 500 लगेगी। बाकी यहाँ पर जनरल चीजें हैं। अब हम प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं, जो भी डिटेल्स हैं आपके लिए जो जरूरी हैं वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ आपके पास जो प्रोस्पेक्टस है वो ओपन हो जाएगा। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी का 2024 का प्रॉस्पेक्टस है, एक बारी मैं सारे में से जो जो काम की चीज है आपके लिए वो बता देती हूँ, बाकी आप जो है वो सुन लो ध्यान से। और पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी सारे कोर्सेज हैं और उसके लिए अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं। फिलहाल जो 12th के बाद एंट्रेंस होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। चाहे आपने 12th जस्ट अभी करी है, आपके अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया, या आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, या प्रैक्टिकल्स पेंडिंग है, या आपके 12th हो भी चुकी है, आप पास आउट हैं, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें आपके लिए काम की चीज है। शुरू से शुरू करूंगी तो एक बारी ध्यान से देख लेना, एंड तक बने रहना, कोई भी पॉइंट मिस ना करना। ये ना हो कि कोई ना कोई पॉइंट आपका छूट जाए, और जब आप करो अप्लाई या जब आप पेपर दो या एडमिशन टाइम पे कोई ना कोई जो डिस्क्रिपेंसी है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। तो देखते हैं जी क्या कुछ है। काफी सारे कोर्सेज आते हैं इसमें, जैसे बी फार्मेसी का होता है, इसके अलावा जो है वो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग होता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बीएससी ऑनर्स के प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो पीयू सीटी यूजी जो है ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें बीएससी ऑनर्स 4 ईयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो आ जाते हैं। बी फार्मेसी का एक कोर्स भी आ जाता है। तो इस बार जो टेस्ट है वो कब होगा, तो डेट नोट करके रखो। डेट ऑफ टेस्ट जो है वो संडे को होगा, 12th, तो 12 मई को इस बार इसकी जो डेट है वो अनाउंस करी गई है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमने बाद में चेक करते रहना होता है। ओके, तो जो लास्ट डेट है जिसमें सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड की लास्ट डेट कब तक आप उसमें ये कर सकते हो लॉगिन, ये है 25th of 4th month 2024। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो फीस अभी मैंने बताई पीयूसीटी यूजी, जैसे पेपर में आप अप्लाई करोगे तो उसकी ये फीस है। तो एक बारी हम मैं सारे बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आपको जस्ट शेड्यूल है कि किसके बाद क्या है। अब आपके लिए जो काम की चीज है वो ये बन गया। इसमें देखो ध्यान से आपको क्या कुछ बताया जा रहा है। आपको ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल है टेस्ट का वो क्या कुछ रहेगा और कैसे कैसे सब होगा। सबसे पहले तो पीयूसीटी यूजी का जो प्रॉस्पेक्टस है और ये सब कुछ है, ये आज ही आया है, तो साथ के साथ हमने वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अब लास्ट डेट चेक कर लो क्योंकि वो जरूरी है। लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर देना, इससे पहले कि ये डेट नहीं मिस हो जाए। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ फॉर्म के लिए, जिसमें आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करोगे, वो है 25th अप्रैल तक आप ये काम कर सकते हो। और फिर जो लास्ट डेट है जिसमें डिपॉजिट ऑफ फीस आप ऑनलाइन मोड से करोगे, लास्ट डेट ये है, ठीक है, 27th of 4th month तक आप ये काम कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी जब फोटोग्राफ आपने अपलोड करने हैं या स्पेसिमन ऑफ सिग्नेचर का या और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए लास्ट डेट 29th of 4th month है 2024। फिर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट फॉर्म अलॉन्ग विद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए, या कुछ भी है ऐसा, तो उसके लिए ये दे रखी है।
फिर आ जाते हैं कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे आपको एग्जाम की डिटेल दी होती है, वो आपको कब मिलना है? एडमिट कार्ड मिलना है 8th ऑफ 5th मंथ 2024, ठीक है? और इसके बाद आप आ जाओ कि जो डेट है और जो टाइम है एंट्रेंस टेस्ट का, वो क्या है? तो डेट एंड टाइम क्या कुछ है? अब इसमें यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसी हिसाब से टाइम भी अलग अलग रहेगा, बिकॉज सेम बच्चे ने फिजिक्स का भी देना होगा, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, हो सकता है कोई एक देना हो सकता है सारे देने हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा, तो उस अकॉर्डिंग ही टाइम भी लिख रखा है। ध्यान से नोट करके रखना, बिकॉज यही सबसे काम की चीज है आपके लिए। तो अगर आपका पेपर 1 जैसे मैथ्स रख रहे हो, तो होना तो चलो ठीक है, 12th ऑफ 5th मंथ 2024 संडे को होगा, और टाइम जो है ये 9 to 10 बज के 10 मिनट तक, मतलब ये चलेगा 9 बजे से 10 बज के 10 मिनट तक, ये मैथ्स का हो गया। केमिस्ट्री का फिर 10:40 से 11:50 तक, फिजिक्स का 12:20 से 1:30 तक, और बायोलॉजी का 2:20 से 3:30 PM तक ये टाइम रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों की जो क्वेरी कि जो सेंटर है या जो साइट है एंट्रेंस टेस्ट की, वो कहाँ है, कहाँ पर PUCET UG का पेपर होगा? तो वो चंडीगढ़, लुधियाना, मुकतसर, होशियारपुर, ये 4 ही सेंटर हैं। आप इनमें से जो फिल करोगे वहीं पर मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर अब रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। पेपर हो गया, सेंटर पता चल गया, तो रिजल्ट वगैरह का क्या सीन है? आंसर की अपलोड करी जाएगी 17th और 5th मंथ को, मतलब 17 मई को, और जो सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस वगैरह जिसने लगाने हैं तो वो 19 तक कर देंगे, रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट देख लो डेक्लरेशन ऑफ रिजल्ट की, मतलब कब चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो इस बार ही आएगा, वो आ जाएगा जी मई के बिल्कुल एंड में, दैट इज 31st ऑफ 5th मंथ 2024 में इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज हो जाए, बट नियरली यही रहे। फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, अभी पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, तो जिनका क्लियर हुआ है वो उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो जो आपने एडमिशन फॉर्म है वो आपको कब आएगा, वो धीरे धीरे जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? फिर उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है ना, ट्रायल वगैरह अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की हो तो वो कब देनी है, मेरिट लिस्ट कब बननी है, तो ये चीजें जो हैं वो अभी नहीं आई हैं, ये धीरे धीरे ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट कर दी जाएंगी, अभी नहीं है। सीट्स कब अलॉट होंगी, काउंसलिंग कब होएगी, एडमिशन कब होएगी, इन चीजों के बारे में अभी नहीं बताया गया है, ठीक है? तो ये जो चीजें अभी नहीं आई हैं, बाद में आएंगी। अब आ जाते हैं हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जो नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट उन्हें जानना जरूरी है। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स होने चाहिए ना, कौन कौन इसमें है, हम एलिजिबिलिटी जो ये बता रहे हैं एक बारी वो देख लेते हैं। तो सारे वो कैंडिडेट, सारे वो बच्चे जो जिन्होंने पास कर ली है या वो अभी अपनी 12th कर रहे हैं, मतलब अभी रिजल्ट वगैरह नहीं भी आया, वो भी 10+2 जिन्होंने करी है ना, वो इसमें कर सकते हैं अप्लाई। रेकोगनाइज आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कुछ होना चाहिए, तो आप PUCET UG का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आप पेपर दोगे, क्लियर करोगे, है ना, फिर रिजल्ट बनेगा, फिर आपकी एडमिशन जो है वो इसमें उस हिसाब से रहेगी। और कहते हैं जो कैंडिडेट्स की कंपार्टमेंट है अपने +2 में, ठीक है, जो ये मार्च 2024 में होंगे, मतलब उनकी इसमें मान लो कंपार्टमेंट आती है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इस एडमिशन में। फिर अलग अलग अरेंजमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जो स्पेशल नीड्स वाले पर्सन हैं उनके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, टाइम वगैरह भी उन्हीं से हिसाब से दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आप रखते हो तो उस हिसाब से अलग क्राइटेरिया रहेगा। अब कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में, कौन कौन से कोर्सेज इसमें आ जाते हैं, किसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बिकॉज ज्यादातर बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई अगर मैंने ये करना है तो सिर्फ मुझे यही सब्जेक्ट आएगा या बाकी के भी आएंगे, पूरे आएंगे, कौन कौन से आएगा, तो वो एक बारी देख लो, और कितनी सीट किस कोर्स में है वो देख लो। सबसे पहले है बी फार्मेसी। बी फार्मेसी अगर करनी है तो +2 हो, 10+2 आपने जो एग्जामिनेशन है वो किया हो, जिसमें 50% मार्क्स जो है वो एटलीस्ट आपके होने चाहिए, ठीक है, अगर आपके हैं, और उसमें आपने +2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रखा है और साथ में बायोलॉजी पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है या बायोटेक किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी सीट्स हैं ओपन में, जो है ये 46 सीट्स हैं। अब देखो नंबर ऑफ सीट्स कितना लिमिटेड हो गया, जिस वजह से जो कॉम्पिटिशन है वो कितना हाई रहेगा। अब आपको इसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, पूरे
इंडिया में से बच्चे आएंगे, कोई एक स्टेट नहीं है कि कहीं सिर्फ पंजाब के ही बच्चे जाएंगे या सिर्फ एक ही स्टेट के किसी के जाएंगे, सभी स्टेट्स में से बच्चे जाएंगे तो हर जगह से आएंगे, तो कंपटीशन बहुत रहेगा। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। एनआरआई के 6 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल की 2 सीट हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, सिंपली मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई आपने बीएससी ऑनर्स का कोई जो कोर्स है वो करना। अब अगर आपने बीएससी ऑनर्स बॉटनी में करना है या जूलॉजी में करना है, तो आपने 10+2 करी हो, जिसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश आपने इसमें पढ़ा हो। अब उसकी सीट्स का एक बारी आ जाएगा कि 20 सीट्स हैं ओपन में, फिर 3 फॉरेन की और 1 जो फॉरेन नेशनल के या एनआरआई के फॉरेन नेशनल की, और जूलॉजी में 25 सीट्स हैं ओपन, बाकी एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल्स की। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही जो है वो एग्जाम में आए। फिर अगर आपने बीएससी ऑनर्स करना है एंथ्रोपोलॉजी में या केमिस्ट्री में या जियोलॉजी में, या बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, बायोकेमिस्ट्री करना है, माइक्रोबायोलॉजी करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, या बायोफिजिक्स करना है, तो अगर इनमें से किसी में भी आपने जाना है तो आपने 10+2 पढ़ी हो, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, इंग्लिश हो उसमें, फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसके साथ चाहे मैथ्स पढ़ा है चाहे बायो पढ़ा है, मीन्स मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही इन सभी कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ सीट सबकी अलग है। ओपन सीट देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में 30 है, केमिस्ट्री में 58 है, जियोलॉजी में आपके पास 30 सीट्स हैं, फिजिक्स में आपके पास 40 है, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपके पास 25 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 30 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 15 सीट्स हैं, और बायोफिजिक्स में भी 25 सीट्स हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न है। बाकी साथ साथ में जैसे जो है वो आपको जैसे बताया था एनआरआई और फॉरेन नेशनल्स का दे रखा है, मैं फिलहाल ओपन का बताती जा रही हूँ। और अगर आपने बीएससी ऑनर्स इनमें से किसी में भी करना है, तो आपने से मेडिकल और नॉन मेडिकल वाला कॉम्बिनेशन आएगा, मीन जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ उन्हें पीसीएम आ जाएगा, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रखा है उन्हें पीसीबी आ जाएगा, यही कॉम्बिनेशंस है। फिर एक और कोर्स जिसकी काफी डिमांड रहती है, वो कोर्स कौन सा है, वो कोर्स है मैथमेटिक्स का। तो बीएससी ऑनर्स अगर आपने मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो आपने 10+2 पढ़ा हो, जिसमें 10+2 में आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, और मैथ्स उसमें जरूर पढ़ा होना चाहिए, फिर मैथ्स ही आपको एग्जाम में आएगा। 30 जो है वो सीट्स इसमें है, जन 30 मतलब जो नॉर्मल आपको ओपन सीट्स जो है वो है, अब इसमें ये रहेगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आपके पास 10+2 पढ़ी हो, 10+2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, और उसमें ओपन की जो है वो 15 सीट्स हैं, और मैथमेटिक्स ही सिर्फ पेपर में आएगा। पर यहाँ पर मैं आपको एसएससी की एक स्पेशल टिप दे देना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने स्पेशल जैसे ये कहें कि भाई हाँ हमने मैथ्स में जाना है, तो फिर आप वैसे तो मैथ्स में अप्लाई करोगे तो सिर्फ मैथ्स ही आपको एग्जाम में आएगा, बट हमारा ये सजेशन है कि भाई आप तीनों सब्जेक्ट्स लेके अप्लाई करना। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है पहले और आप अभी सोच रहे हो कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ूँ, सिर्फ मैथ्स पेपर दे दूँ वही मुझे आए, ठीक है ऐसा आप कर सकते हो, बट इट वुड बी मच बेटर कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अप्लाई करो, तीनों का पेपर दो, उससे आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा। मान लो मैथ्स में थोड़ा बहुत स्कोर आपका ऊपर नीचे भी होता है इनके कोई भी प्रॉब्लम की वजह से या कुछ भी रीजन की वजह से, तो आपके पास एटलीस्ट ये हो कि भाई हाँ हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पेपर भरा था, उसमें भी रिजल्ट आना है, तो हम उसमें तो ले लेना एडमिशन अगर इनकेस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो तीनों सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना, इससे आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर बारी आ जाती है कि जो मेरिट है वो कैसे बनती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मेरिट है वो कैसे बनती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेरिट है ये सीयू पीयू सीटी यूजी की जो है वो कैसे रहेगी, बीएससी ऑनर्स के जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग और जो बी फार्मेसी का है उसमें 10+2 के मार्क्स भी लगते हैं और एंट्रेंस के मार्क्स भी लगते हैं। कई बच्चों को लगता है कि जो हमारे 12th में तो बहुत अच्छे हैं, हमारे 80% है 90% है, तो हम सीधे ही वो कर लेंगे, पता नहीं हमें सीधे ही एडमिशन दे देंगे, वो ऐसा नहीं है। कईयों को लगता है कि सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू हमें एडमिशन मिल जाएगी, बोर्ड्स को देखा नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक बार तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो गई अप्लाई करने के टाइम पे कि हाँ एटलीस्ट आपके इतने परसेंट तो हो। फिर अब दूसरी चीज, जो मेरिट है वो कंबाइंड बनती है, जो पीयू सीटी यूजी आप एंट्रेंस दोगे उसकी 75% तक वेटेज है,
75% उस चीज को देखा जाएगा जो भी आपका स्कोर होगा इसके एंट्रेंस में। दूसरी चीज, जो आपके +2 में मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे, और उसकी वेटेज रहेगी 25%। 75% आपके जो एंट्रेंस में आए, 25% जो आपके बोर्ड में आए, उनको कंबाइंड करके मेरिट तैयार करी जाएगी, और उसके बेसिस पे जो मेरिट है वो बनेगी, और एडमिशन जो है वो उसी के हिसाब से फिर रहे। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आपके पास मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, जैसे जैसे आप बनाओगे, जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, जैसे यूनिवर्सिटी जो है वो PUCT UG का रिजल्ट क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड के दे देती है, जो जो आपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे उस हिसाब से जो है वो रहेंगे। बाकी जनरल रूल्स जो हैं वो क्या कुछ हैं, सेंटर कहाँ कहाँ है, चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर, होशियारपुर, यही है। जो फीस होती है एंट्रेंस टेस्ट की वो रिफंडेबल नहीं होती, और वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होती। जो टेस्ट है वो कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने टाइम आपको, कितने मिनट्स आपको मिलेंगे, तो अगर मैथ्स है तो उसके 60 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, टोटल आपके 120 मार्क्स बन गए। 70 मिनट्स जो है वो आपको इसमें दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में भी सेम, 60 क्वेश्चंस आने हैं, टोटल 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 120 मार्क्स बन गए, 70 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। सेम ही फिजिक्स का है, जिसमें 60 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 120 मार्क्स एंड 70 मिनट्स मिलेंगे। सेम फॉर बायोलॉजी, मतलब ये नहीं है कि आपको PCM भी चारों ही आने हैं, आपको या तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो आ जाएगा, जैसे मेडिकल स्टूडेंट को, नॉन मेडिकल को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स आ जाएगा, तो घबराना जाना, नॉन मेडिकल वाले के में बायो भी करनी है और मेडिकल वाले के में मैथ्स भी करना है, ना ना, जो जो कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है, मेडिकल वाले PCB, नॉन मेडिकल वाले PCM, ऐसे ही सिलेक्ट करना, बाकी कोर्स के हिसाब से। तो वही है कि बायोलॉजी में भी 60 क्वेश्चंस आने हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 120 मार्क्स हो गए एंड 70 मिनट्स मिलेंगे। ठीक, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। एक और बच्चों को डाउट होता है कि जो पेपर है वो पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में आएगा, क्या हिंदी भी आएगी इसमें? नहीं, मीडियम जो है एग्जाम का वो सिर्फ इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश में ही आपको जो पेपर है वो प्रिंटेड होगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में प्रिंटेड होगा आपका पेपर, हिंदी या पंजाबी में ऐसे नहीं। ठीक, फिर पेपर कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड है या पेन एंड पेपर है? पेन एंड पेपर है, OMR शीट होगी जिसमें एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, आपको उनमें से जो सही है वो फिलअप करना है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होगा, लॉग टेबल वगैरह जो है यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करेगी, आपने खुद ऐसी कोई चीज नहीं लेके जानी। बाकी जो है वो OMR शीट है, उसी पे आपने करना है। बाकी तो जनरल पॉइंट्स हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वही है कि भाई आपने कुछ शरारत नहीं करनी, कुछ कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, कुछ और नहीं साथ में लेके जाना है ना, जो वो कह रहे हैं सिर्फ वही चीजें लेके जानी है। बस बाकी तो इन जनरल से पॉइंट्स हैं, बाकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के आपने कांटेक्ट में रहना है, उसी के हिसाब से लगेगा। अब जो जनरल रिजर्व्ड कैटेगरी एडिशनल या NRI सीट्स में आ जाते हैं, तो उनके लिए अब कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे कि जो है वो 53.5% सीट्स हर कोर्स में वो मिलेंगी जनरल कैटेगरी को, जैसे तो ना टोटल इतनी सीट्स हैं तो इसमें से जनरल की कितने, तो 53% रहेंगी, और जो 46.5% है वो रिजर्व कैटेगरी को रहे। अब उसमें से रिजर्वेशन, 15% रिजर्वेशन मिलेगा जो ST है, शेड्यूल्ड कास्ट, एंड 7.5% मिलेगा जो ST है, और 5% मिलेगा जो BC है, बैकवर्ड कास्ट। ठीक, अब उसका आपको ऑफकोर्स कास्ट सर्टिफिकेट तो रेडी रखना पड़ेगा, तो तब ही आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे जो रिजर्वेशन वाली। बाकी डिसेबिलिटीज में जो है वो आपको मेंशन है कि अगर डिसेबिलिटी में आपने आते हो तो आप इनमें से किसी में हो तो आप कर सकते हो इसमें अप्लाई। बाकी कहते हैं जो 5% है वो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी अगर है तो उसके अंडर रहेगा, 5% जो है वो डिफेंस वालों को रहेगा, उनके आगे जो चाइल्ड है उनको, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसकी रिजर्वेशन है। बस फिर यही है, 5% जो है वो, मतलब वही बता रहे हैं कि इतने इतने परसेंट जो है ये रिजर्वेशन जो है वो हम रखते हैं। एडिशनल सीट्स भी कुछ होती हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज हैं, उनके लिए, और बस ऐसे वन गर्ल चाइल्ड का है, बाकी कैंसर का है, 2 एडिशनल सीट्स रूरल एरिया स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट्स के लिए, जो रिजर्वेशन है बच्चों को, कौन कौन सा रिजर्वेशन है, इसको रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं, इंडिविजुअली डाउट पूछते हैं, तो हमने एक ही जगह पे आपको
कंबाइंड वीडियो में बता दिया, क्योंकि इतना बच्चा नहीं पढ़ते। वन एडिशनल सीट जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए भी है, एनआरआई के लिए भी है, फॉरेन नेशनल के लिए भी, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, तो ये सारा कुछ जो है वो रहेगा। एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, जो एनआरआई है उनके लिए ये दिया हुआ है, दे कैन रीड एंड और कुछ तो बस। उसके बाद तो जो है वो अलग चीजें, एफिडेविट वगैरह जो है वो आ गए, उसके अलावा कुछ और काम का जो है वो तो नहीं है, इतना कुछ नहीं है वो मैं बता। ये वही रिजर्वेशन जो अभी हमने देखा वही यहाँ पर रिपीट में बताया हुआ है, बाकी तो एफिडेविट वगैरह जो है उसके बारे में आपको दे रहा हूँ। अब एक और चीज जो है वो मैं बता दूँ कि अब आप इसकी प्रेपरेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि ये एग्जाम है, एग्जाम में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं और उसके हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सारा कुछ ही पढ़ी जाओ और या कुछ चीज मिस कर दो, ऐसा नहीं। और इसमें एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी दोनों पोर्शन में से पूछा जाता है, तो आपको दोनों चीजों को तैयार करने की जरूरत है। अब इसमें सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन भी बैच है, लाइव क्लास में करवाया जाता है। आपको कोई डाउट है आप अपने टीचर को पूछ सकते हैं। आउट ऑफ क्लास टाइम भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने टीचर को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, बट जब तक पेपर नहीं होगा तब तक क्लासेस चलेंगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो बताए भी जाएंगे, क्लासेस में करवाए भी जाएंगे। ऑफलाइन सेंटर हमारा यहाँ लुधियाना पंजाब में है, अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी जो है एक स्पेशल चीज जिस चीज का आपको इंतजार था, स्पेशल बोनस जो है वो ये है कि हम एक फ्री वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें, कैसे चैप्टर्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरीके का पेपर है, कैसे कैसे सब कुछ रहता है, तो उसके लिए एक फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप उस वेबिनार का लिंक लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपना नाम, +2 पासिंग ईयर, और जो आपका ईमेल आईडी है, कहाँ से है, और PU फ्री वेबिनार लिख देना बस, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरूर लगाना कि बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो अब तक भटक रहे थे या जिन्हें अब तक आइडिया नहीं था कि PU क्या है, कैसे जाना है, पर चलो फिर भी उन्हें टाइमली ये वीडियो मिल रही है और आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल फ्री वेबिनार है, एक बार जरूर लगाना। इससे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी का वे क्या है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल अगर आपकी गाइडेंस के लिए है। कोई डाउट रह गया है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, बाकी सोच के रखो, इस वेबिनार में जरूर पूछना, जल्द ही ये लिया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस चैनल पे। और भी कोई डाउट है तो सोच लो, वेबिनार में जरूर पूछ लेना। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं वेबिनार में, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है, बाय बाय, थैंक यू।